कि जिस रास्ते से गुजरे तू वो फूलों से भर जाए। तुझे नजर ना लगे किसी की, तुझे नजर ना लगे किसी की, जिए हजारों साल एक तू ही धनवान है गोरी। गोरी थोड़ी ना हो गया, गोरी है तो गुरु जी है, अरे गोरी भी कह सकते हो। तो एक तू ही धनवान एक रुपया हमें दे दे, अरे भैया पन्ना ला, वाह। और नाम एक और इसमें लिखा है, नाम है हर दया, एक तू ही धनवान है ओ। ऐसे कर रहे हो, ऐसे तो तमाम लोग बैठे। ये 501 मुद्राएं बुंदेलखंड कीर्तन उत्थान समिति के अध्यक्ष, और केवल बुंदेलखंड ही नहीं हमारे उत्तर प्रदेश में भी आपका परचम लहराता है। और जहाँ जहाँ तमाम समितियाँ तमाम कार्यक्रम होते हैं हमारे देवेंद्र भैया उसमें तन मन धन से साथ देते हैं। तो ये कोई जगह बटी नहीं है कि केवल आप बुंदेलखंड के हैं, इसलिए मैंने कहा जहाँ जहाँ तक कीर्तन है वहाँ वहाँ तक आप हैं। हमारे सम्मान्य भैया देवेंद्र तिवारी भैया की ओर से 501 मुद्राएं हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार व्यक्त कर रही हूँ। और 101 मुद्राएं भैया हमारे रमेश प्रसाद जी, पन्ना लाल जी और हर दयाल भैया जी, आप सब दरसुआ से आए हैं, दरगुआ से आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनिए, सादर नमन है बाबू जी को। 101 मुद्राएं बखतपुरा के एक बहुत अच्छे मंच के आयोजक बाबूजी हमारे श्री परम लाल साहू जी, जिन्हें टुनटुन बाबू के नाम से आप लोग जानते हैं, आपकी ओर से 101 मुद्राएं हैं, सादर प्रणाम है, अच्छा मंच आपका है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और 101 मुद्राएं जाने वाले आजा तेरी आज सताए ये सुना दें भैया रत्नेश दुबे जी, CMO नगर पंचायत घुवारा के माध्यम से, बिल्कुल कोशिश करूंगी भैया, धन्यवाद। तो तुझे नजर ना लगे किसी की, तुझे हजारों साल तो एक तू ही धनवान है। मैं निवेदन कर रही हूँ रमेश भैया, कहाँ जा रहे हैं?
बैठिए। सवाल चाहे ना सुनिए लेकिन जवाब जरूर सुनिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जवाबी में जवाब का महत्व होता है। और क्या? अच्छा, पैसा देने आ रहे थे क्या? लाओ लाओ लाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब तो हमने नुकसान कर लिया आपने। आ जाओ, स्वागत है आपका। कोई बात नहीं, हम लोगों के लिए आपसे बड़ा धन कोई है ही नहीं, आपसे बड़ा धन कोई हो ही नहीं सकता। रमेश भैया, जो प्यार दुलार आप लोग देते हैं, मैं ऋणी हूँ, कर्जदार हूँ, कर्ज में कभी नहीं चुका सकती। जो प्यार आप लोग देते हैं, सुनिए जवाब, सुनिए सुनिए। राखी जी ने गाया कि वहाँ पर एक हंस बगुलों के मध्य में लगा रहे हनुमान, राम नाम का सुगणन करते हर्षित हैं हनुमान, और संत सदा करते हैं जगत में मुश्किल को आसान, तो रामायुध दीवार अंकित है तुलसी द्वार की शान, तो एक यही साधु है और बाकी सब शैतान। बहुत अच्छा गीत चचा ने हमारे लिखा है। और क्या, अब प्रयास देखें बच्चों का। अगर उस लंका में एक साधु दिखा तो उसी लंका की ही बात करें, वहां देखिए मुझको क्या नजर आया। क्या? और जवाब सुनिए, अच्छा लग जाए तो आशीर्वाद दे दीजिएगा। अशोक इनके गीत में उपमाएं चल रही हैं, जैसे 32 दांतों के बीच में जीभ, जैसे लाइन आपकी करी हंस के बीच में बगुला, इस तरह से उपमा भी आपने दी है। तो मेरी उपमा सुनिए, पंक्ति सुनिए, सुनिए। अशोक वाटिका में जब पहुंचे वीर बलि तपी रैया, तो हनुमान जी पहुंचे और कहते हैं क्या, देते मुझे संकेत राम थे और देते लक्ष्मण भैया, देते मुझे संकेत राम और देते लक्ष्मण भैया। और जब माता जानकी को देखा तो ऐसा लगा, कैसा लगता है सिंहों के बीच में फंस गई कोई कैया। क्या बात है मास्टर साहब, क्या बात है गुरु जी। बच्चों का प्रयास देखिए, क्या जवाब लाते हो यार। गीत आपने बड़ा मन से लिखा होगा और मेरे समझ से 2-4-10 दिन फोन पर बताया होगा। और क्या, लेकिन बच्चों का प्रयास 5 मिनट का है। तो लगता है सिंहों के बीच में फंस गई जैसे गैया, आज सीता को देखकर हनुमान कहने लगे, ये वातावरण को पावन करती ये है टिंकू भैया। आपकी ओर से 201 मुद्राएं हैं और बड़े अदब से, बड़े फायदे से, बड़े प्रेम से, बड़े दुलार से आप पुरस्कार दे रहे हैं। आपकी झोली बनी रखें, आशीर्वाद आशीर्वाद गुरु जी दे रहे हैं पीछे से सबसे। और क्या, हम तो दुआ कर सकते हैं। और क्या, तो लगता है सिंहों के बीच जो फंस गई आज है कैया। तो हनुमान जी ने कहा कि माता जानकी वातावरण को पावन करती, ये वातावरण को पावन करती पर नहीं है सभ्य समाज। रावण की लंका में है वो, तो बैठकर जितनी जगह बैठी उस जगह को पवित्र कर रही है, पावन कर रही है, लेकिन वहाँ का समाज ऐसा नहीं है जैसा वो चाह रहे हैं। तो वातावरण को जानकी को देखकर कहने लगे, वातावरण को पावन करती पर नहीं है सभ्य समाज। तो बस बस एक यही, सीता को देखकर कहा, एक यही है सोन चिड़ैया और बाकी सब है बाज। यही कीर्तन है, यही आराधना है। क्या
के ही सोन चिड़ैया तो बैठी है पेड़ के नीचे और क्या, बाकी तो बाज है सब झपट्टा मारने के लिए तैयार। वातावरण को पावन करती पर नहीं है सभ्य समाज, तो एक यही है सोन चिड़ैया और बाकी सब है। एक पंक्ति और सुनिए राखी जी, प्रयास है मेरा और कोशिश करनी चाहिए, कर रही हूँ, अच्छा बन जाए बुरा बन जाए और जो ऐसा भी सुनिए सुनिए। अग्नि सी प्रज्वलित है लगती आज माता जानकी को देखकर हनुमान थोड़ा दुखी भी है लेकिन प्रसन्न भी है, क्योंकि माता जानकी साधारण नहीं है। हनुमान को पता है उनकी शक्ति क्या है, लेकिन जो काम राम को करना है वो करने के लिए आना पड़ेगा। माता चाहती तो अपनी एक दृष्टि से रावण को जलाकर राख कर देती, इतनी शक्ति थी उनमें। लेकिन भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, और राम का काम अगर जानकी कर देती तो फिर मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम में कोई धब्बा लग जाता, इसलिए जानकी ने वो नहीं किया जो उनको नहीं करना चाहिए। वो इंतजार करती रही, सांसें उनकी चलती रही यही काफी है, और वो हनुमान से कह रही कि हनुमान मेरा ये संदेश पहुंचा देना कि अगर आप नहीं आए तो कहीं सीता मर ना जाए। तो अब है कैसी, कैसी? अग्नि सी प्रज्वलित है लगती, करता अशोक है छैया, रोम रोम बस राम राम कह रहा है। फिर एक उपमा दे रही हूँ, ऐसा लग रहा है सीता को देखकर कि ऐसा लगता है जैसे के बिन पतवार की मैया, बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप करी जैसे जैसे, ऐसा लगता के जैसे हो बिन पतवार की मैया। लेकिन हनुमान कह रहे आज इनके दर्शन करके कि जीवन मेरा सफल हो गया, अरे जीवन मेरा सफल हो गया इनको देख के आ, एक यही है सोने की एक टुकड़ा और सुन लीजिएगा, सुन लीजिए। क्या बात है, देखिए कैसे कैसे अच्छे श्रोता आते हैं। ये छोटे भैया हमारे अंकित जी, अंकित जैन जी, आपने ये 500 मुद्राएं ये कहकर दिया है कि जिन्होंने इस जवाब को लिखा है हमारे आदित्य भैया के लिए 500 मुद्राएं हैं, एक बार जोरदार तालियां। गुरु जी हमको केला बना लो, कितनी मिठाई लोगे। तो हमारे आदित्य भैया के टूटे फूटे प्रयास को आप लोग पुरस्कार से सजा रहे हैं। मैं ये तो नहीं कह रही हूँ कि ये 100% जवाब है, लेकिन आपके दिलों को अच्छा लग जाए तो फिर कहीं कुछ अच्छा है, बस कोशिश कर रही हूँ। तो आदित्य भैया के लिए हमारे भैया ने जैन जी ने पुरस्कार दिया है, परमात्मा आपका कल्याण करे, आपकी झोली भरी रखे। एक अंतिम टुकड़ा और सुनिए, सुनिए। Oh, my God.
जान है हाथों में साहिल, ये हाथ मुझे दे दे। तो माता सिया से मिले हैं हनुमत, तो बोले मैं हूँ सहैया। और जब मिले तो चरणों में सर को रख दिया और कहा, माँ माँ आज ऐसा लग रहा है आज एक लालन से जैसे मिल गई उसकी मैया। कैसे मिली? कैसे? ऐसे मिली है सीता जी जैसे बछड़े से मिलती गैया। बछड़े से गैया मिल जाती है। और बच्चा आपने देखा होगा, बछड़ा जब अपनी माँ गाय को देख लेता है तो पागलों की तरह चिपट जाता है। और माँ की भी आदत होती है, माँ अगर अपने बच्चे को ना देखे तो गली मोहल्ले में चिल्लाती है, बाएं बाएं करती है वो गाय। तो ऐसे ही ये 101 मुद्राएं हमारे सम्मानीय सुनील भैया की तरफ से। सुनील तिवारी जी, आपने कहा पुरस्कार तो गुरु जी की तरफ से आना चाहिए। और क्या निकाल लिया गुरु जी, वो सोच रहे 500 वाला दें, 100 वाला दें कि 1000-2000 दे दें, तो अभी डिसाइड कर रहे हैं गुरु जी। चलिए उनका आशीर्वाद बना रहे, हालांकि रुपया उपिया किसी को देते नहीं। ये पूरा कीर्तन जगत जानता है, केवल अमीर नहीं पूरा कीर्तन जगत जानता है। इनकी जेब से 100 रुपया निकलना बड़ा मुश्किल है। बहुत बहुत कठोर गुरु हैं ये। लेकिन पता नहीं जिंदगी में पहली बार मड़ावरा में इन्होंने, हाँ नवागढ़ में 100 रुपए मुझे दिए थे, उसको हमने संभाल कर कॉपी में लगा के रख दिया। बेटा हमारी तरफ से पुरस्कार थी तो तुम्हें खुद मेहनत करनी पड़ेगी, हम बातों में आने वाले थोड़ी। अब देखिए आपको कैसे, हम दुनिया प्रसन्न नहीं कर सकते, हम क्या प्रसन्न कर पाएंगे। लेकिन बस आप बैठे हैं, यही सबसे बड़ा पुरस्कार है। पुरस्कार एक लाल से ऐसे मिली है सीता जी जैसे बछड़े से गैया। तो माता ललन के इस नाते पर अगर उधर दो लोग हैं साधु शैतान, तो इधर भी हनुमान पुत्र हैं और वो माँ हैं। और अगर माँ चिड़िया की तरह है तो लंका में केवल बाज ही बाज नजर आ रहे हैं। तो माता ललन के इस नाते पर